कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो तुम समझ ही गए होगे कि आज की वीडियो किस मुद्दे पर बन रही है। यदि नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये बात है तब की, जब मेरे सब्सक्राइबर थे नील बटे सन्नाटा, मतलब जीरो। तो उस समय मैं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी वीडियो उठाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया करता था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वीडियो होनी चाहिए तो अपनी होनी चाहिए, कंटेंट होगा तो अपना होगा, किसी और का नहीं। आखिर पराया तो पराया होता है। और उन पराये कंटेंट के पराये क्रिएटर्स ने मुझ पर लगा दिया कॉपीराइट क्लेम और मेरा चैनल हो गया बैन। और फिर मैं अंदर से टूट चुका था। और फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि अब कंटेंट बनाऊंगा तो अपना बनाऊंगा। और फिर मैंने यूट्यूब से बहुत चुच्चो पुच्चो करी और यूट्यूब ने मेरे चैनल से बैन हटा दिया और मुझे 7 दिन का टाइम दिया अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए। और फिर मैंने दिन दोपहर एक कर क्योंकि रात को मैं सोता हूँ अपने खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाया और उस वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस वीडियो पर इतने व्यू आए जितने मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोची भी नहीं थी, मतलब जीरो। और अब तो भाई मेरा यूट्यूब से भरोसा उठ चुका था। और वैसे भी यूट्यूब मेरे भाई को पसंद था नहीं। फिर मेरे भाई ने एक दिन मुझको प्यार से समझाया। चार बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को मेरा मतलब इतने भी प्यार से नहीं समझाया, पर मेरे दिमाग से क्रिएटिंग का भूत 25-30 रैप्टो में थोड़ी जाने वाला था। और फिर ले लिया मैंने यूट्यूब से गैप, क्योंकि यूट्यूब से तो मेरा विश्वास पहले उतर चुका था। फिर गया मैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ मैंने 6-7 महीने बिताए और 25-30 रील बनाई। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया जो यूट्यूब पर काम करता था कि इंस्टाग्राम से पैसा नहीं आया करता, यूट्यूब से ही पैसा आता है। और फिर यूट्यूब का कीड़ा मेरे अंदर फिर से जाग गया। और फिर मैंने ठान लिया कि अब अपना अच्छा कंटेंट बनाऊंगा और 1 महीने के अंदर ही अपना चैनल मोनेटाइज करवा दूंगा। और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया। और अब यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास एक मोटिव ये भी था कि अब मेरे 70 सब्सक्राइबर हो चुके थे, क्योंकि बीच में मैंने यूट्यूब पर 1-2 वीडियो अपलोड कर दी थी, शायद तभी मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए। और फिर मैंने जिंदगी में पहली बार यूट्यूब पर एक शॉर्ट डाली और उस शॉर्ट वीडियो पर इतने व्यूज आए जितने मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोची भी नहीं थी, मतलब जीरो। अबे साले, नहीं गाइस, अब की बार जीरो नहीं, अब की बार मेरी इस वीडियो पर फर्स्ट 24 आवर्स में 3000 व्यू आ गए थे। और मुझे यूट्यूब की तरफ से भी ईमेल आ गई कि आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, कृपया और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए जिससे आपका चैनल इंक्रीज हो। और फिर क्या, तुम्हारे भाई ने सुबह शाम खाने से पहले 2-2 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करनी शुरू कर दी। और फिर तुम्हारे भाई का यूट्यूब चैनल दिन 10 गुना रात 15 गुना बढ़ना शुरू हो गया। और आज फाइनली वो दिन आ गया जब तुम्हारे भाई के 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री और अब करते हैं वीडियो को शुरू। क्या बोला तूने? तो इस वीडियो में मैं आंसर दूंगा उन क्वेश्चन के जो आज तक मुझसे मेरी वीडियो में कमेंट के जरिए पूछे गए। तो जो हमारी पहली कमेंट है वो है हमारी वीडियो अनस्टॉपेबल क्रम डायनासोर की निंजा टेक्निक से। तो यहाँ पर ABS गेमिंग ने कमेंट किया है, भाई क्या लिखा था इंस्पेक्ट में? तो भाई ये तो तुम किसी यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो जिस पर इसे काफी अच्छे से समझाया जाएगा। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। तो तुम्हें क्रोम पर गेम पेज पर जाकर सबसे पहले खाली जगह पर माउस का राइट क्लिक करो और फिर इंस्पेक्ट में जाओ। तो आपको हौसला बनाए रखना है, कभी ये सोचो ये क्या खुल गया। फिर आपको यहाँ पर राइट साइड में कंसोल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और फिर आपको अपने स्वभातों से यहाँ पर लिखना है रनर, RUNNER, और फिर कॉमा, फिर INSTANCE, फिर स्पेस कॉमा गेम ओवर। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, अब आप स्पेस करेंगे और अब आपको स्क्रीन पर जैसे जैसे दिखाया जा रहा है आपको ऐसे ऐसे करते जाना है। और आप एक एक साइन को बिल्कुल ध्यान से देख कर लिखना, यदि आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ करी है तो ये कोडिंग ख़राब हो सकती है, फिर ये जो तरीका है ये वर्क अच्छे से नहीं करेगा। और अब आपको गेम पेज पर जाकर गेम को फिर से शुरू करना है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा। तो दोस्तों, आप सिंपल इस ट्रिक से क्रोम के डायनासोर को हैक कर सकते हैं, इससे आपके अनलिमिटेड पॉइंट होंगे, जब तक आप चाहे तब तक दौड़ता रहेगा। और अब नज़र डालते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो लिया गया है हमारी वीडियो वाईफाई का पासवर्ड पता करने की निंजा टेक्निक से। रवि कुमार भाई, ये कैसे किया बताओ? तो इस वीडियो में मैंने बताया था आप कैसे किसी के वाईफाई का पासवर्ड हैक कर सकते हैं बिना उसके डिवाइस को हाथ लगाए। वैसे तो ऐसी चीज़ें मैं कभी किसी को बताता हूँ नहीं, पर फिर भी यार तुम्हें सब्सक्राइबर तो तुम्हें बता। ओ बम गिर गया, भाग 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 भाग। हाँ गया काम से। हाँ तो मैं कहाँ पर था, तो तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं तुम्हें इसलिए बता देता हूँ। और यदि तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लो।
वैसे तो यार मैं इसे फुल डेफिनेशन के साथ बताऊं तो इसे समझाने में लगेगी कम से कम 10-15 मिनट और इतनी बड़ी तो ये वीडियो भी नहीं होने वाली। और यदि 1-2 मिनट में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा तो ना तुम्हारे समझ में आएगा और ना मुझे समझाने में मज़ा आएगा। और वैसे भी इसमें ज़्यादा झंझट है नहीं, बहुत ही आसान है। यदि तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया है, तुम वहाँ से उस ऐप को इंस्टॉल करो, फिर तुम किसी के भी वाईफाई का पासवर्ड हैक कर सकते हो। और यदि तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हें लैपटॉप से किसी के राउटर या स्मार्टफोन के वाईफाई को हैक करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से एक आर्टिकल खुलेगा, तुम उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ो समझो और फिर तुम किसी के भी वाईफाई का पासवर्ड हैक कर सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले मुझे तुमको एक बात बतानी पड़ेगी, एक स्टोरी छोटी सी। यदि मैंने तुम्हें वो नहीं बताई तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम समझ नहीं पाओगे। तो जो मेरी अनस्टॉपेबल क्रोम डायनासोर वाली वीडियो थी, मैंने उसमें एक VR लूजर के नाम से एक चैनल है, मैंने उसे टैग किया था क्योंकि उसकी भी कॉमेडी वीडियोस आती है, कॉमेडी शॉर्ट, और मेरी भी कॉमेडी शॉर्ट आने लगी है। तो मैंने सोचा कि मैं उसे टैग करूँगा तो मेरे चैनल को अच्छी रीच मिलेगी, अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा वीडियो पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप किसी को टैग करते हैं यूट्यूब पर तो उसके पास एक स्पेशल नोटिफिकेशन जाती है कि आपको किसने टैग किया है। इसी तरह VR लूजर पर भी वैसी नोटिफिकेशन गई और उसने भी उसका रिप्लाई दिया और रिप्लाई था कुछ इस प्रकार, VR लूजर ब्रो मुझे टैग किया है क्या तुमने। और ये कमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस आदमी ने कमेंट करी है, ये कमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके चैनल पर 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतने बड़े चैनल वाले ने मेरी वीडियो पर कमेंट करी। इसी खुशी में 32 तारीख को आप सबकी दावत थी। वैसे तो ये कोई क्वेश्चन था नहीं, वो तो मैंने बस आपको डराने के लिए दिखा दिया कि मुझ पर इतने बड़े चैनल वाले ने कमेंट करी है। नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, वो मेरे मुंह से निकल जाते। कुछ क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल, नहीं कुछ नहीं सर, चलो जाके इलाज कराओ। तो दोस्तों इसी के साथ ही 100 सब्सक्राइबर Q&A वीडियो समाप्त। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक खास जानकारी, प्लीज़ मेरी वीडियो को डिसलाइक ना ही करें तो अच्छा है, आप देखें ना पर डिसलाइक ना करें। आपको जो भी कमी लगती है वो कमेंट में बता दीजिए, अगली वीडियो में उसका सुधार किया जाएगा। पर वीडियो को डिसलाइक करना यार एक ही मोटिव अच्छा नहीं यार, बुरा लगता है यार दिल से। यार 2-3 घंटे में हम वीडियो बनाते हो और आप टिंगा दिखा के भाग जाते हो, यार ये तो कोई बात नहीं होती। आपको नहीं देखने तो कोई बात नहीं, आपको अच्छी नहीं लग रही, हम अगली बार और अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके देखने के लायक। आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कमी क्या है और हम अगली वीडियो में उसका सुधार 100% करेंगे। आप बस कमेंट करिए, सुधार तुरंत होगा। और यदि आपको इस वीडियो में भी कोई कमी लगे तो यार प्लीज़ कमेंट कर बताओ उस कमी को, कमेंट करो, कमी बताओ, खासियत बताओ, अच्छी लगी है वो बताओ, बुरी लगी है तो बताओ, पर कमेंट करो, लाइक कर दो। और इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो हम रखते हैं केवल 10 लाइक, क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा तुम्हारी करने की औकात नहीं है, औकात है तो करके दिखा दो। क्या बोला तूने?